हाय, वेलकम बैक टू दिस इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज। इंग्लिश फॉर यू वीडियो सीरीज में एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज की कक्षा में हम बात करेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है और जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, उन दोनों के बीच डिफरेंसेस का। हम उन दोनों को कंपेयर करेंगे और किस तरह से डिफरेंट सिचुएशंस में दोनों टेंसेस को हम यूज करते हैं, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले क्लास की जो शुरुआत है वो एक सुविचार से करते हैं, एक पॉजिटिव थॉट से करते हैं। तो आज का हमारा पॉजिटिव थॉट है, आई वॉज एवर अ फाइटर सो वन फाइट मोर द लास्ट एंड द बेस्ट। मैं तो हमेशा से एक योद्धा रहा हूं, मैंने कभी हार नहीं मानी है, लड़ने में यकीन किया हमेशा चुनौतियों से। I was ever a fighter, so one fight more. So अभी गिर भी गया हूं तो क्या, एक बार फिर उठूंगा और लड़ूंगा। One fight more, the last and the best, आखिरी और सबसे अच्छी लड़ाई। मैंने जानबूझ के बेस्ट को यहां कैपिटल रखा है, आखिरी लड़ाई सबसे अच्छी। इट मीन्स कि हम कितनी भी बार गिर जाए, हमें एक बार फिर से उठकर लड़ना चाहिए, फिर से कोशिश करनी चाहिए और अपनी सबसे अच्छी कोशिश करनी चाहिए, तो हम चुनौतियों के खिलाफ अपनी जंग में जरूर कामयाब हो जाएंगे। अंग्रेजी सीखने में भी बहुत सारी चुनौतियां आती है, ये एक विदेशी भाषा है, लेकिन हमें उन चुनौतियों से हार नहीं माननी और कामयाब होना है। हम डटे रहेंगे, कितनी भी बार हम मुश्किल में पड़े हम फिर आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा आज का सुविचार है और आइए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में मैं कंपैरिजन, एक तुलना करने वाला हूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, और दूसरा प्रेजेंट सिंपल टेंस का, प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इन दोनों के बीच में क्या फर्क है ये हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स और पॉइंट्स के माध्यम से। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब टू बी के इज एम और आर फॉर्म को रखते हैं, रूपों को रखते हैं, और मेन वर्ब हुक क्रिया को उसके आईएनजी फॉर्म में यूज करते हैं। जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम सब्जेक्ट को वर्ब के पहले रूप या फिर पहले रूप में एस ई एस जोड़ के यूज करते हैं। तो ये दोनों के स्ट्रक्चर के डिफरेंसेस हैं और अब जिन सिचुएशंस को ये डील करते हैं उनके डिफरेंसेस को हम समझते हैं। तो जो हमारा पहला पॉइंट है, इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल, थिंग्स इन जनरल। आप एग्जाम्पल्स के माध्यम से ना बेहतर समझ पाएंगे। अब तो हमने पहले भी चर्चा की थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम उन गतिविधियों की, उन घटनाओं की, उन बातों की चर्चा करते हैं जो उस वक्त हो रही हो जब हम बात कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इरिटेटिंग मी, तुम मुझे परेशान कर रहे हो। यू आर इरिटेटिंग मी। It is raining now. It is raining now. अभी बारिश हो रही है। It means ये दोनों ही की दोनों घटनाएं अभी घट रही हैं। When I'm talking to you, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तब हो रही हैं। तो इस सिचुएशन में हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हमने इस एम आर को यूज किया, फिर हमने वर्ब के आई एन जी फॉर्म, मेन वर्ब के आई एन जी फॉर्म को यूज किया। जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वी टॉक अबाउट थिंग्स इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सी, पानी 100 डिग्री पे उबलता है, ये सभी जानते हैं, ये एक फैक्ट है। आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल, मैं आम तौर पे होने वाली चीजों की बात कर रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, आई रीड अ न्यूज़पेपर या आई रीड न्यूज़पेपर एवरी डे। तो ये ऑल्सो दिस इज अ फैक्ट अबाउट मी, ये मेरे बारे में एक तथ्य है, एक सत्य है कि मैं रोज न्यूज़पेपर पढ़ता हूं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल। ओके, जो दूसरा डिफरेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल के बीच का, वो है इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग, थिंग्स हैपनिंग एट द अराउंड द, सॉरी नॉट एट द बट अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, अराउंड द
टाइम ऑफ स्पीकिंग, इट मींस वो चीजें भले ही उस समय नहीं हो रही हो जब हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसी समय के इर्द गिर्द हो रही हो। इट मींस इन दोनों ही सिचुएशन में हमने एक्शंस को शुरू कर दिया है और हमने अभी एक्शन खत्म नहीं किया। फाइन, तो पहला सिचुएशन था प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, वो चीजें जो तब हो रही हो जब हम बात कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर इरिटेटिंग मी, इट इज रेनिंग नाउ, और दूसरा थिंग्स हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, तब जब हम बोल रहे हो नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द के समय में। फॉर एग्जाम्पल रीटा वॉन्ट्स टू सेटल इन स्पेन, she is learning Spanish, she is learning Spanish, Rita स्पेन में सेटल होना चाहती है, इसलिए अभी वो क्या कर रही है, आजकल वो क्या कर रही है, she is learning Spanish, वो अभी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं स्पेनिश नहीं सीख रही, लेकिन उसने स्पेनिश सीखना शुरू कर दिया है और अभी इस काम को पूरा नहीं किया, खत्म नहीं किया, तो ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही आएगा दोस्तों। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपने देखा हमने एक थिंग्स हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग यानी बोलते समय घटने वाली चीजों के बारे में बात करने में इसका यूज किया स्ट्रक्चर का, जबकि प्रेजेंट सिंपल का यूज हमने किया टॉकिंग अबाउट थिंग्स इन जनरल, आम तौर पर होने वाली चीजों के बारे में। जो दूसरा डिफरेंस था, हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया टू टॉक अबाउट थिंग्स हैपनिंग अराउंड द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बात कर रहे हैं उस दौरान नहीं बल्कि उसके इर्द गिर्द या आस पास के समय में होने वाली, आजकल होने वाली, इन दिनों होने वाली चीजों के बारे में बात करने में किया। रीटा इज लर्निंग स्पेनिश। और प्रेजेंट सिंपल का जो दूसरा इस्तेमाल है टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली, थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली, वो चीजें जो बार बार होती हैं, बार बार दोहराई जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल आई ब्रश ट्वाइस अ डे, मैं दिन में दो बार ब्रश करता हूं, ये चीजें बार बार होती है, मैं रोज दो बार ब्रश करता हूं। ठीक वैसे ही इट रेन्स इन जुलाई, हर जुलाई में बारिश होती है। तो दोस्तों ये जो प्रेजेंट सिंपल के दोनों एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हमने सब्जेक्ट और उसके बाद फिर हमने वर्ब के पहले या पांचवें रूप का इस्तेमाल किया, तो इसका यूज हम कर रहे हैं टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट हैपन रिपीटेडली, उन चीजों के बारे में बात करने के लिए जो बार बार होती हैं, एक बार होके खत्म नहीं हो जाती, खत्म तो होंगी ही लेकिन फिर वो रिपीट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप रोज स्नान करते हैं, रोज खाना खाते हैं, रोज अपने काम पे जाते हैं, रोज स्कूल जाते हैं, रोज बहुत सारी, रोज अंग्रेजी सीखते हैं, अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, तो ऑल दीज थिंग्स विच हैपन रिपीटेडली, जो बार बार दोहराई जाती हैं, उनके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। जो तीसरा फर्क दोनों ही प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बीच का है वो है कि इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वी टॉक अबाउट टेम्पररी सिचुएशंस। व्हाट आर टेम्पररी सिचुएशंस? टेम्पररी सिचुएशंस मींस जो स्थाई नहीं है, जो थोड़े समय के लिए है, जबकि इन प्रेजेंट सिंपल टेंस वी टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशंस। व्हाट डू वी टॉक अबाउट? वी टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशंस, हम अस्थाई स्थिति की बात कर रहे होते हैं, परमानेंट सिचुएशंस। चलिए मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको यह बात बेहतर समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल टेम्पररी सिचुएशंस का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। सू इज लिविंग विथ हर फ्रेंड्स, लिविंग विथ हर फ्रेंड्स Until she finds a place for herself, it means जब तक सू को अपने रहने के लिए कोई जगह नहीं मिल जाती तब तक वो अपने दोस्तों के साथ रह रही है। It means this situation will not remain like this, ये सिचुएशन ऐसे ही नहीं रहेगी, ये शॉर्ट टाइम के लिए है। इट मींस सू घर खोज रही है, जैसे ही उसे अपने लिए घर मिल जाएगा वो दोस्तों के साथ रहना छोड़ के उसमें रहने चली जाएगी, लेकिन
फॉर टेम्पररी टाइम आप कह सकते हैं, पीरियड कह सकते हैं, शी इज लिविंग विथ हर फ्रेंड्स, वो अपने दोस्तों के साथ रह रही है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम टेम्पररी सिचुएशंस की बात करते हैं, जबकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में वी टॉक अबाउट परमानेंट सिचुएशंस। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव्स इन पेरिस, ही इज सेटल्ड ओवर देयर, ही इज सेटल्ड ओवर देयर, इट मीन्स मेरा भाई पेरिस में ही सेटल कर चुका है और अभी वो कहां रहता है, पेरिस में रहता है। इट मीन्स वो कल भी रहता था पेरिस में, अभी भी पेरिस में है और आगे भी पेरिस में रहेगा, उसको अपना इरादा बदलने की कोई इसमें गुंजाइश नहीं दिखती। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है, माय ब्रदर लिव्स इन पेरिस, मेरा भाई पेरिस में रहता है, वो वहीं पे बस चुका है और कल भी रहता था, आज भी रहता है, आगे भी रहेगा। जबकि सू के साथ ये स्थिति नहीं है, सू तब तक अपने दोस्तों के साथ रुक रही है या रह रही है जब तक कि वो अपने लिए कोई ठिकाना ढूंढ नहीं लेती। तो इसलिए हम इसमें लिए इसके लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी, सू इज लिविंग विथ हर फ्रेंड्स। जबकि जो परमानेंट सिचुएशन है, माई ब्रदर लिव्स इन पेरिस, उसके लिए हम प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के पहले या पांचवें रूप का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये तीन मेन डिफरेंसेस हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बीच। मैं कुछ और बातें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आपको बताऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपका जानना जिनको बेहद जरूरी है दोस्तों। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो स्ट्रक्चर्स या जो एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, आप इनको कहीं लिख ले या आप चार्ट पेपर पे लिख ले, उनको अपने स्टडी या फिर बेडरूम की दीवार पे लगाए और इस पे सेंटेंस को सोचने और लिखने की प्रैक्टिस करें। तो चलिए हम बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऑलवेज के यूज की। हम ऑलवेज कैसे यूज करते हैं, देखिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, आई एम ऑलवेज डूइंग, ये मैं अगर आपको इंडिकेशन दे दूं, आई एम ऑलवेज डूइंग, ये मैं सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वी का वर्ब, मेन वर्ब आई एन जी फॉर्म, इट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं। जबकि आई ऑलवेज डू, ये आपको प्रेजेंट सिंपल का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वी वन या वी फाइव का स्ट्रक्चर है। तो आप दोनों में ध्यान से देखिए, मैंने ऑलवेज यूज किया है, तो दोनों में जब ऑलवेज यूज करूंगा मैं दोनों ही स्ट्रक्चर के साथ, तो उनके अर्थ में क्या फर्क आएगा, इनको हम एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मीरा इज ऑलवेज लूजिंग हर कीज नाउअडेज, losing her keys nowadays, Shashi is always missing the class, missing the class, Meera is always losing her keys nowadays, Meera aajkal akshar ya hamesha apni चाबियां खो दे रही है। इट मीन्स ऑलवेज हमने यहां यूज किया, ये इशारा करता है कि ये चीजें जरूरत से ज्यादा हो रही है, एक्सेसिवली हो रही है, हैपनिंग एक्सेसिवली, ये जरूरत से ज्यादा घट रही है, हैपनिंग एक्सेसिवली। ध्यान रखिएगा, जो चीजें जब जरूरत से ज्यादा होने लगे, आमतौर से ज्यादा होने लगे, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ऑलवेज यूज कर सकते हैं। और आई एम ऑलवेज ईटिंग आइसक्रीम nowadays, मतलब जितना आइसक्रीम मुझे रोज खा या हमेशा या अक्सर खाना चाहिए उसे मैं ज्यादा खा रहा हूं, तो उसके लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर यूज करूंगा, आई एम ऑलवेज ईटिंग आइसक्रीम nowadays। या फिर यू आर ऑलवेज स्पेंडिंग टाइम बिफोर टीवी, इन फ्रंट ऑफ द टीवी, इट मीन्स आप टीवी ज्यादा देख रहे हैं, आपको कम देखना चाहिए। तो जब कोई चीज एक्सेसिवली हो रही हो तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में ऑलवेज जोड़ के उसको दिखाते हैं, जबकि जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के साथ हम ऑलवेज जोड़ते हैं तो हम एक सामान्य तौर पे अक्सर होने वाली बात की ओर इशारा करते हैं। जैसे आई ऑलवेज ईट चॉकलेट्स, आई ऑलवेज ईट चॉकलेट्स, तो इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि मैं चॉकलेट्स जरूरत से ज्यादा खाता हूं, लेकिन हाँ मैं यदाकदा अक्सर खाता ही रहता हूं, तो ये मेरी हमेशा की आदत की ओर इशारा कर रही है, ये एक्सेसिव थिंग या जरूरत से ज्यादा होने वाली चीज की ओर इशारा नहीं कर रही। ठीक वैसे ही इट ऑलवेज रेन्स
ड्यूरिंग ड्यूरिंग मॉनसून, इट मींस मॉनसून के दौरान हमेशा ही बारिश होती है। तो ये एक्सेसिव एक्टिविटी नहीं है, बल्कि ये हमेशा घटने वाली चीजें हैं। तो जब हम ऑलवेज का यूज प्रेजेंट सिंपल के साथ करते हैं, तो हम आमतौर पे हमेशा होने वाली चीजों की बात करते हैं। लेकिन अगर हम यही ऑलवेज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर के साथ जोड़ के यूज करते हैं, तो हमारा मतलब होता है कि ये चीजें आजकल कुछ ज्यादा ही हो रही है, इतनी नहीं होनी चाहिए। सो इट हैज गॉट अ नेगेटिव कॉनोटेशन, इसका थोड़ा सा नकारात्मक इसमें झलक मिलती है, इतनी नहीं होनी चाहिए, इससे कम होनी चाहिए। आई एम ऑलवेज सिपिंग कॉफी, इट मीन्स मैं कॉफी जरूरत से ज्यादा सिप कर रहा हूं। आई एम ऑलवेज हैंगिंग अराउंड विद माई फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं इतनी बार जा रहा हूं कि मेरा काम नेग्लेक्ट हो रहा है। तो इट हैज गॉट अ नेगेटिव ओवरटोन, तो इसमें हमको थोड़ी सी नेगेटिविटी की झलक मिलती है। जब यही ऑलवेज जब हम प्रेजेंट सिंपल के साथ यूज करते हैं, तो हम हमेशा घटने वाली चीजों की तरफ इशारा मात्र कर रहे होते हैं, वो एक्सेसिव एक्टिविटीज या एक्शंस नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। जब दोनों के साथ हम ऑलवेज यूज करते हैं, तो दोनों के सिचुएशंस या अर्थ में क्या फर्क आता है। दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक दूसरा यूज मैं आपको बताऊं कि व्हेन वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, समटाइम्स वी यूज देम टू टॉक अबाउट चेंजेस हैपनिंग अराउंड नाउ, यानी आजकल जो कुछ परिवर्तित हो रही है या जो परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तन घट रहा है, तो कभी कभी उसके बारे में भी बात करने के लिए हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करते हैं। और उन सिचुएशंस के लिए हम कुछ वर्ब्स का सहारा लेते हैं, मेन वर्ब्स का, जिसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, जैसे गेट, चेंज, इंक्रीज, राइज, स्टार्ट, बिगिन एटसेट्रा। तो कुछ ऐसे वर्ब्स का यूज करके हम अभी के इर्द गिर्द जो चेंज हो रहा है, ये जो परिवर्तन घट रहा है, उसकी चर्चा करते हैं। कुछ एग्जांपल्स देता हूं जिसके माध्यम से आप इसे बेहतर समझ पाएंगे। फॉर एग्जांपल, थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ, थिंग्स आर गेटिंग बेटर नाउ। अनदर एग्जांपल, टाइम्स आर चेंजिंग। अनदर एग्जांपल, द प्राइसेस ऑफ everyday commodities are increasing. Next one, things are beginning to look better. Now, कुछ इन sentences पे गौर करें। पहला example है, Things are getting better now. अब चीजें बेहतर हो रही है, मीन्स पहले बेहतर नहीं थी। ये चेंज, ये सिचुएशन में जो चेंज आ रहा है, वो अभी हो रहा है। Times are changing, यानी समय बदल रहा है। ठीक है, ये पहले इतनी तेजी से नहीं बदलता था, अभी ज्यादा तेजी से बदल रहा है, ये परिवर्तन अभी हो रहा है। The prices of everyday commodities are increasing. रोजमर्रा की यूज होने वाली जो कमोडिटीज है, चीजें हैं, उनके दाम बढ़ रहे हैं। ये चेंज अभी आ रहा है, पहले ऐसा नहीं हो रहा था, इतनी तेजी से नहीं हो रहा था। थिंग्स आर बिगिनिंग टू लुक बेटर, अब चीजें बेहतर दिखना शुरू हो रही हैं, बेहतर होना शुरू हो रही हैं। तो इन ऑल दी सेंटेंसेस में हमने गेट के आईएनजी फॉर्म, चेंज के आईएनजी फॉर्म, वैसे ही इंक्रीज के आईएनजी फॉर्म और बिगिन के आईएनजी फॉर्म का इस्तेमाल किया है, जो दिखा रही है कि अभी हमारे इर्द गिर्द क्या चेंज, क्या परिवर्तन घटित हो रहा है। दोस्तों, तो ये था हमारा आज का लेसन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पे। आशा है आपको पसंद आया होगा, आपने चीजों को ठीक से समझा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अगले वीडियो में हम बातें करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव फॉर्म है, यानी जो क्वेश्चन फॉर्म है, उसके बारे में। तो इंतजार कीजिए अगले वीडियो का, और तब तक जो स्ट्रक्चर्स या जो सिचुएशंस हमने बताए, उस पे सेंटेंसेस फ्रेम करके आप उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय।